गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट हियर इज अ मैप रिलेटेड टू मैच्योर हरप्पन साइट्स एंड सो मैनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आर हियर लाइक हरप्पा, पनावली, कालीबंगन, चनहुदरो, कोटदीजी, मोहनजोदारो, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट, लोथल. So these are the very important mature Harappan sites, and it is compulsory to locate all the places on a political map of India. क्योंकि ये हमारे syllabus के accordingly काफ़ी important map है. अब बेटा हम next paragraph की बात करते हैं. As per the given information by this paragraph, there was mature Harappan culture was available in given sites. Before the mature Harappan culture, there were several archaeological culture available. Okay, and this culture were associated with distinctive pottery system and evidence of agriculture and pastoralism and some crafts were. This give us information regarding such type of culture which were in practice before the mature Harappan. Okay, and as per the evidences, there were settlements, and that settlements were very small in size. Okay, that is, settlements were generally very small, and there were no large building. बेटा इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो सेटलमेंट्स थे, जो बस्तियाँ थी, काफ़ी छोटी थी, और वहाँ पर कोई बड़ी लार्ज साइज की कोई भी संरचना वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी. एज पर द एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल बर्निंग एट होम सम साइट्स एज वेल एज द एबडोनमेंट ऑफ सर्टन सेटलमेंट, इट इज इंडिकेटिंग अबाउट द ब्रेक बिटवीन हरप्पन एंड अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन एज वेल एज द मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन. इन एग्जाम्पल्स के आधार पर हमें पता चलता है, एविडेंसेस के आधार पर हमें पता चलता है कि अर्ली हरप्पन सेटलमेंट और मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन के बीच में काफ़ी ब्रेक हो चुका था. इसके एविडेंस हमें इससे प्राप्त होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी सब्सटेंस स्ट्रेटजीज. ओके बेटा, हमने देखा कि जो मैच्योर हरप्पन कल्चर था वो ऐसे एरिया में डेवलप हुआ था जहाँ पर पहले से ही अर्ली हरप्पन कल्चर्स डेवलप हो चुका था. उन्होंने उन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रखा था. तो जब सेम प्लेसेस पर कोई कल्चर डेवलप होगा तो वहाँ के कुछ एलिमेंट्स जो होंगे ना, वो कॉमन होंगे. जैसे कि सब्सटेंस स्ट्रेटजी को हम एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो वहाँ हरप्पन्स थे, मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन के में जो पीपल अवेलेबल थे, दी हरप्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश. यहाँ पर उस समय के हरप्पन कल्चर में रहने वाले जो लोग थे, वे एक लार्ज रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को अपने डाइट्री सिस्टम में उनको इंक्लूड किया था. आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ फाइंड्स कलेक्ट किए थे और इसके आधार पर उन्होंने मैच्योर हरप्पन साइट्स में रहने वाले लोगों की एक डाइटरी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया. और उनमें उन्होंने जो फाइंड आउट किया था वो थे चार्ड ग्रेन्स, जले हुए अनाज के दाने और बीज. इनके आधार पर उन्होंने उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया था, उसको चार्ट को तैयार किया था. और इसकी स्टडी करने वाले लोग जो आर्कियोबॉटनिस्ट थे, उन्होंने पाया कि यहाँ पर अलग अलग किस्म की ग्रेन्स अवेलेबल थे. जैसे कि हरप्पन साइट्स में वीट, बार्ले, लैंटिल, चिकपी, सीसे, ये इस तरह के यहाँ पर अवेलेबल थे. मिलेट्स आर आल्सो फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात. ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा, वन मार्क के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है. अब हम बात, हाँ, और एक चीज़ ध्यान दे रखिए कि जो राइस आर रिलेटिवली रेयर, यहाँ पे जो अनाज के तौर पर जो चावल के दाने हैं वो काफ़ी कम पाए गए हैं, अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनिमल्स. एनिमल बोन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पी.
यहाँ पर मवेशियों में जो है भेड़ बकरी भैंस और सुअर की हड्डियां भी मिली है। तो इससे जो आर्कियोजुलॉजिस्ट थे उन्होंने इस बात की ओर इंडिकेशन प्रोवाइड किया, हमारा ध्यान आकर्षण करवाया कि यहाँ पर जो ये एनिमल्स थे वो एक डोमेस्टिकेटेड पर्पस से उनको पाला जाता था, पालतू जानवर थे सभी के सभी। और जंगली प्रजातियों में जो है इसमें बोर जिसे वराह के नाम से जानते हैं, डियर, घड़ियाल, इनके भी यहाँ पर स्पेसिस के एविडेंसेस मिले हैं, इनकी बोन्स मिली हैं यहाँ पर। तो इस आधार पर जंगली जानवरों के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं। अच्छा, इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हरप्पन जो लोग थे वो खुद उसका शिकार करते थे या फिर कोई हंटिंग कम्युनिटी के थ्रू उस मीट को ऑब्टेन करते थे। और यहाँ पर इसके अलावा मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है, बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल आर फाउंड। हाँ, थैंक यू वेरी मच।